अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ब्लॉग मैंने बहुत सारे शेयर कर लिए आप सबके साथ और आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा एक रेसिपी शेयर कर दूँ। तो ये है ट्रेंडिंग समोसा रोल जिसे मैंने बनाया है। तो देखने में जितना ये खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी उतना ही कुरकुरा और टेस्टी बना है ये। तो चलिए इसे मैंने कैसे बनाया है तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रोल के लिए गूंद लेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी ये देसी घी 2 टेबल स्पून। आप इसमें घी का यूज़ करें। घी के यूज़ करने से ये क्या होगा, बहुत ही कुरकुरा और खस्ता बनेगा और ये ठंडा होने के बाद भी कुरकुरा ही रहेगा। अगर आप इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेगा। और इसमें मैंने ऐड किया नमक 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1/2 टीस्पून कलौंजी, इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे। जिस तरह हम कचौरी या फिर पापड़ी का आटा गूंदते हैं, ठीक वैसे ही इसका हमें आटा गूंद लेना है। तो मैदा को मैंने गूंद लिया है, आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना सख्त है ये। अब हम इसे रेस्ट पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट हो रहा तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बॉइल्ड आलू लिया है। इसे मैं इस तरह से मैश करूँगी और इसे मैं पूरी तरह से मैश नहीं करूँगी, थोड़े से चंक्स रहने दूँगी क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देख सकते हैं इसे मैंने पूरी तरह से मैश नहीं किया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में मैं ऐड करूंगी ये 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। और अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये है ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ये सौंफ, और ये ड्राई रेड चिली, और थोड़ा सा मैंने ये राई लिया है, और ये है मेथी 1/2 टीस्पून ही। इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से आप इसे तड़का देंगे तो खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इसे मैंने ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने मसालों को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया है। और 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ में मैं इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है क्योंकि मैं इसका पाउडर मिक्स करके ही बना के रखती हूँ। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाए और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे भून लेंगे। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मैश किए हुए आलू। आप चाहे तो इसमें मटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे वेज में बना सकते हैं, कीमे में बना सकते हैं, आपको जो फीलिंग पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं।
तो नमक डालना भूल गई थी, और रमज़ान में हम अक्सर नमक डालना भूल जाते हैं, तो नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना चाहे उतना। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हरा धनिया, और कितना कलरफुल लग रहा है देखने से ही, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये जो फिलिंग है ये भी रेडी हो चुका है। तो ये मैंने लिया है मैदा, और इसका मैंने इस तरह से गाढ़ा घोल बना लिया है। और ये है आलू, जिसे मैंने अच्छे से ठंडा करके रख लिया है। और ये है सेवई, और ये कच्ची सेवई है, आप चाहे तो इसकी जगह भुनी हुई सेवई भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे बना लेते हैं रोल। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो बहुत ही पतली सी रोटी हमें बना लेनी है। अगर आप इसे मोटा बेलेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितना पतला बेला है इसे। अब मैं इसे बीच में से इस तरह से कट लगा लूँगी, और हमें इसे स्क्वायर शेप में चाहिए, तो मैं चारों तरफ से कट लगा लूँगी। और थोड़ा सा मैं इसे और बेल लूँगी। तो आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और चारों तरफ हम इसमें लेई लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे सील करें तो ये पूरी तरह से सील हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि जो आलू के अंदर ये तेल अंदर सोख लेगा और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसकी मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। और मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है लेई से। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी ये आलू और अच्छे से पैक कर दूंगी। और थोड़ा सा ये बड़ा हो गया था तो मैं इसे कट कर लूंगी, ताकि इसकी जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो मैंने इसी तरह से सबको रेडी कर लिया है। अब मैं इसे मैदे में डिप करूंगी, और बहुत ही आराम से पकड़ के इसे डिप करें, नहीं तो जो इसकी डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगी। और इसके ऊपर लगा लेंगे हम ये सेवई। तो इसी तरह से हम सारे पोटैटो रोल को रेडी कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करके रख लिया है, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और रमज़ान में रेसिपी शेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो इसी तरह से हम सारे रोल को फ्राई कर लेंगे। तो आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मैं आप सबके साथ एक और रेसिपी शेयर करूंगी, इसके साथ खाई जाने वाली सॉस की, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो हमें मार्केट में मिलती है। इसे हम घर में आसानी से बना सकते हैं, और होममेड जो बनता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए, और ये हाइजीनिक भी होता है। तो मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसे मैं अच्छे से घोल लूँगी,
ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और पानी को पहले मैं बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ये शुगर 1/2 कप, और इसे अच्छे से हम इसमें डिज़ोल्व होने देंगे। और बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है ये। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने घोल के रखा था, और इसमें मैंने इसे छान के ही ऐड किया है ताकि जो भी लम्स रहे वो निकल जाए। अब हम इसे अच्छे से घोल लेंगे और 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये केचप 1 टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 पिंच मैं इसमें ऐड करूंगी ये रेड फूड कलर, और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है अब देखने से। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ये विनीगर, आप इसे चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो सॉस भी बनके रेडी हो चुका है, 2 मिनट के लिए सिर्फ कुक होने दें। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। तो सॉस भी बनके रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें। और आप सब मुझे इसका फीडबैक इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, और आप सब मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।